चलें जी, हम पहुंच तो चुके हैं, आपको दिखा भी चुकी हूँ मैं, और मैं इतनी रिलैक्स्ड हुई हूँ। मैं फुल लेंथ मिरर को इतना मिस कर रही थी। द वर्स्ट एक्सपीरियंस एट एयरबीएनबी। भाई एयरबीएनबी हमारे लिए नहीं है, ये मैं पहले भी फील करती रही हूँ, बट फैमिली बड़ी थी तो आई थॉट कि इट्स ओके। बट नो मैम, आप कम से कम होटल में रहते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपको क्लीनिंग की प्रटेंशन नहीं है, नाश्ते नीचे मिल रहे हैं, मतलब आप इंजॉय, आपको वेकेशन, वहाँ तो ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं और समा उतनी डर्ट, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। और अब मुझे पता चला है कि मैंने ड्रेस फिट चेक भी नहीं करा है। देखें कितनी स्मार्ट शर्ट लग रही है, ये गैप की जीन्स है, जीन्स की ट्राउज़र है ललन की, और ये शर्ट जो मैंने ली है, ये मैंने ली है टीजे मैक्स से। बाल मैंने नहीं सेट किए, तो मैंने ट्राई कर लिए हाफ टाई। अभी हम लोगों ने खाना खाने चलते हैं, लेट्स सी क्या डिसाइड होता है, और उसके बाद फिर थोड़ा लेक इन्जॉय करते हैं, देन वी कैन कम बैक टू होटल एंड रिलैक्स। होपफुली वी विल हैव अ वेरी नाइस स्लीप, ऑल्दो मेरे कमरे का हालत वो लगी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी, सो रिलैक्स टू बी हेयर। हम लोग आ चुके हैं, वी आर गोइंग फॉर लंच। यस, अभी मेरे पास आ जाओ। नहीं या बॉस, तो वहाँ पे खाना खा लेना। और चलें जी रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर लेक पे चलते हैं। आज वैसे हीट वार्मिंग वार्निंग भी आई है, ये काफ़ी गर्म है ये जगह, बट इट्स ओके। सो हम केलोना आए हुए हैं, अब खाना खा रहे हैं। यार अभी मैं सिटी वैसे घूमी है, ये मुझे एबर्ट्सफोर्ड से बड़ी लग रही है, और थोड़ी सी खुली है, पोटेंशियल है इसमें, काफ़ी जगह लग रही है, स्पेस लग रही है, काफ़ी कंजस्टेड नहीं है लाइक एबर्ट्सफोर्ड। हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना अपना सा माहौल। गर्मी बहुत है आज, वैसे आज ना, और वैसे ओवरऑल हीट वार्निंग चल रही है। क्या होता है, अभी हम कायान है, यहाँ पे अफगानी कुजीन है, वहाँ खाना खाना है, हमारी फैमिली आ रही है। बट भाई कलोना वालों, तुम लोग हालात मुझे थोड़े बेहतर लग रहे हैं, पर यहाँ पे ना वो जंगले वाले ट्रीज नहीं है, बहुत ज़्यादा जंगल और पाइन ट्रीज नहीं है। वेरी रेयरली यू कैन सी, पीछे देखे बड़ी माउंटेन्स वेरी नियर, बट इट्स गुड, लेट्स सी। थोड़ा जंकी स्टाइल भी है। नान शवरमा अफगानी लग रही है, क्या लग रही है, अब देखते हैं इसमें है क्या, अच्छी है कि बुरी है, क्या है। तो यहाँ खाते हैं, ऑर्डर कर लिया है हमने खाना, और हम वेट कर रहे हैं खाना। रेस्टोरेंट इधर एक्सपेंसिव लग रहे हैं हमें प्राइस वाइज, दोनों का। सो कलोना अमीर लोगों की जगह है, बाकी ये है कि वी आर वेटिंग फॉर द फूड, और आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो ट्रैवलिंग की वजह से। हमारा खानदान बैठा, हेलो वालिद साहब, हाय कर दें आप भी। वालिद साहब तो बिल्कुल, वो वालिद साहब भी थके हुए हैं, नींद में है ना, आधे नींद सोए नहीं, आधे नींद में आधे जाग रहे हैं, तो बस अभी खाना खा के देखते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे अंदर भी। आइलैंड को पता नहीं क्या कह रहे हैं। आंटी भी साथ में है, मेरा शवरमा सबसे पहले आ चुका है, और सारे मुझे देख रहे हैं, और मैं शवरमा खा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ आप लोग भी ऑफर करें, किसी ने ट्राई करना है प्लीज ट्राई करिए वाले साहब। नहीं 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 वाले साहब, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वाले साहब को आसरा तो हो जाए, गुजारा है, वैसे ज्यादा इतना मजे का नहीं है। बट जी हम आ चुके हैं वाटर फ्रंट पार्क कलोना, और बहुत ही हसीन जगह है, कोई स्पेशली ये जो फूल लटक रहा है ना, ये तो कोई बहुत ही हसीन लग रहे हैं जगह जगह पे। ये देखें आंटी मेरे साथ चल रही हैं, आंटी कैसा लग रहा है आपको, है ना, बहुत खूबसूरत है ना, बहुत। हमारे वालिद साहब जो है वो आगे चले गए हैं, क्योंकि वो हम पार्क कर रहे थे, बाकी दूसरी गाड़ी जो है वो अभी आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो पीछे आगे आगे को फ्लोटी डक नज़र आ रही है ना, तो अभी बस मैं रोड क्रॉस करती हूँ, हम पानी की तरफ चलते हैं, उस तरफ पानी है, लेक है, सो मज़ा आने वाला है, बहुत ही हसीन जगह लग रही है। ये देखना सूरज उस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ से एंगल ठीक नहीं आएगा, बट बहुत ही गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, बीच वाला हुआ है लिटरली, लोग चटियाँ पहन के आए, उसकी
लोगों की पैंट खुद ब खुद ही गिरे जा रही है वो बिला देखो ये शो प्यारा कितना है यार वही तो मगर फूल कितने खूबसूरत जगह है यार क्या हुआ वो आगे लेक देखो बिलाल लेक को चेक गीज भी अपने उसमें मगन है अब हम लेक की तरफ जा रहे हैं सूरज की रोशनी यहाँ पर है तो इधर व्यू नहीं है इतना अच्छा आएगा बट आप पीछे देखें यहाँ से डॉल्फिन यहाँ से नजर आ रही है बिलाल यहाँ से अच्छी आई बहुत ही हसीन शेड्स पड़ रहे हैं अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ठीक है इसमें स्विमिंग नहीं करना गोते नहीं मारने इसके अंदर आ जाए वाले साहब अब आगे फ्रंट चलें बीच ये देखिए कितने मजे का है ना ये आयमा मेरा ग्लासेस दे दोगी तो जी मेरा चश्मा मेरी बेटी के हाथों चला गया वाटरफ्रंट पार्क है वाटरफ्रंट पार्क के साथ पार्किंग है भाई अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना बीच है भाई ठीक है बीच में गोते लगाएं और साथ में बोर्ड वॉक भी है ठीक है तो बीच पे करें इंजॉय एंड देन सूरज की किरणें बिल्कुल मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी दे रही बट यहाँ और वहां पे वॉक करते हुए जाना है हमने वो एक्टिविटी आप लोगों को दिखा के जाऊंगी परेशानी लेनी नहीं ये बंदे के क्या पोर्शन क्या गिरे हुए हैं ये कैसा इन्होंने सर नहीं है यहाँ पे वाले साहब सब धड़ है ये बच्चों के ये स्कल्पचर सर कटे इंसान है ये भाई अब इसके पीछे क्या साइंस है ये हमको पता नहीं है बट साइंस कुछ ठीक नहीं लग रही चलें जी यहाँ बोर्ड वॉक है बेंचेस भी होंगी आगे बैठने वाली और इस तरफ बैठ जाइए हाँ उनका वेट ये हम अब घास पे बैठ के लेट के वीडियो बना रही हूँ मैंने कहा कभी मैं लेट के नहीं वीडियो बनाई ना लो वैसे लोग उधर भी लेटे हुए तो हम लोग भी यहाँ लेट सकते हैं यही वाली बात है लोग लेट के बना रहे हैं हम भी एक्चुअली हम अपनी दूसरी वाली गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक आई नहीं वो आती है तो फिर देखते हैं वॉक शॉक बोर्ड वॉक पे जाते हैं अंदर कीड़े ना जले बालों में मेरे वैसे वाले साहब आंटी इतने लग नहीं रहे कीड़े इतने यस ये देखें हमारा खानदान आराम फरमा रहा है क्योंकि हम अब दरिया पिकनिक करने तो हम आए नहीं हैं हम तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम तो भाई ऐसे ही बैठेंगे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुझे नज़र आ रही हैं पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग व्हाटएवर यू कॉल इट सिर्फ पैराशूट से जंप नहीं है बाकी सारे पैरा लगा लो ठीक है सारे पैरा चल रहे हैं और आंटी वैसे द गुड थिंग वालिद साहब इज़ दिस के रश नहीं है वीकेंड भी है और इतना रश नहीं है इसका मतलब है कोई इतनी क्राउडेड जगह नहीं होती मैं वीकडेज भी इससे कम रश होगा बट आज तो मेरे ख्याल में लोग जो है आराम से इंजॉय करेंगे वो बुत भी लेटे हुए थे हम भी उनके साथ उनकी कॉपी करके लेट गए वाले ये ले हमारा खानदान आ गया वो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है बिलाल अर्जु वो देखो वो कहलो ना पानी में जाके गिरेंगे पूरे भीग जाएंगे मैं तो तैयार हूँ अगर तीसरा कोई बंदा मेरे साथ तैयार हो तो आई कैन डू इट खाने का भी बता दूं जो यहाँ से अभी अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया बहुत ही एक्सपेंसिव एंड पथेट वाज टोटली पथेट वेस्टेज ऑफ मनी आगे चल के वॉक कर रहे हैं बोट वॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई बोट शॉट मिल जाती है तो इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा उठाते हैं ठीक है वाड़े हसीन और जामिल अच्छा सूरज की डायरेक्ट डायरेक्शन उस तरफ है तो
ये देखो जी मेरा टब्बर आते हुए, इनको टाइम लगेगा, जलाल भाई आ गए हैं, वो चक्कर है। नौसी हाउ फन, मुझे ये करने का दिल कर रहा है, टू गुड। हाँ वहां से नहीं, बहुत ही खूबसूरत और हसीन जगह है, देखो वो ब्रिज है, अभी हम क्रॉस करके आए, हम स्टार्ट ऑफ केलोना में रह रहे हैं, और ये पानी की शक्ल देखे, अभी चल के कोशिश करते हैं कोई बोट वोट शो मिल जाए, सारे अगर मिल गई तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन। म्यूजिक के भी ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये बात करें मतलब इधर ये डेल्टा है, अभी जो बाएं पता किया है तो वो बंद हो गई है, और आप देखें कहाँ, बट आप यहाँ पे यार्ड क्लब की सारी पिक्चर्स वगैरह, लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, अब ये पूछने जा रहे हैं कि क्या बना, बोटिंग तो बंद हो गई, अब सुबह 8 बजे खुलेगी, अब मे बी सुबह 8 बजे हम आ, सेलिंग भी चली गई कल, वो कह रहे हैं सुबह 9-10 बजे आ जाए आप कर लें आके। ओह तुम्हारी तरह खड़ा हुसैन टिटो कॉपी अपने बाबा को नकल करता है, चेक करें हाथ देखें, हाथ देखें, इतना ही खूबसूरत है ना, हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, वाटर एक्टिविटीज आप बहुत सारा कर सकते हैं, बोटिंग पैरासेलिंग एवरीथिंग। अभी हम एज एवरीथिंग इज क्लोज्ड तो हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, यहाँ पे मार्केट भी है तो उसको एंजॉय करते हैं, वाना फ्लाई मानी फ्लाई करना है, फ्लाई बोर्डिंग उड़ी रहे हैं सुबह से, वैसे उड़ी रहे इतना अभी कहाँ उड़े मेरी जान, थोड़ा और उड़ाएंगे आपको, आप परेशान क्यों होते हैं मेरी जान, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है आप लोग तो चले जी, गर्मी इतनी सख्त है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है जी, ये तो इधर चल रहा है पानी, तो हम अब यहाँ पे मार्केट प्लेस भी है, मतलब मैंने वैसे काफ़ी जगहों के वाटर फ्रंट्स देखे हैं बट इसकी स्पेशल बात है वो सफाई सुथराई लुक हर चीज़ में पता चल रहा है, इट हैज़ गॉट समथिंग है ना मानी, इसका वाटर फ्रंट सबसे खूबसूरत है ना, बहुत सही, वैसे टेम्पा का भी बड़ा प्यारा था यार, टेम्पा का भी प्यारा, कंसर्ट हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, रेंटल्स अभी वो बोट वो भी जा रही है, मतलब फन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मार्केट प्लेसेस के रेस्टोरेंट्स और ये कितनी मजे के यार, जस्ट लुक एट दिस, मेरी फैमिली ऑलरेडी आगे जा चुकी है, मैं उनको ढूंढ लूँ, आ जाओ आइसक्रीम, होम मेड आइसक्रीम, बोरी अभी हम आइसक्रीम ले रहे हैं, फिलहाल आपने क्या लेना है, अब हमारे टब्बर में बड़ी कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं तो आगे जाती हूँ, मैं भूल जाऊँ, आरजू कराती हूँ, ये आइसक्रीम बन रही है और इट सीम्स वेरी हेल्दी होती है ना, तो ये कंफ्यूजन होती है, दो लोग हमें ये वो मेरा ये मेरी है,
सो दैट इज माइन थैंक यू हमारी आइसक्रीम इज हियर रश इतना है कि आपको बंदा ना बंदे की जात समझ कुछ नहीं आएगी सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं प्राइस चेक करें प्राइस म्यूजिक चला खत्म होगा यहाँ पे स्केटिंग का भी है भाई सारे सिस्टम है पीछे वो वाटर में बच्चों की स्पोर्ट्स वगैरह भी लगे हुए हैं जैसे बैरी पे लगे होते थे ना सब कुछ है मेरा टब्बर तो है ही है अल्लाह खैर रखे सो ओवरऑल मैंने तो बहुत इंजॉय किया है ये देख आप जी हम भी ले आए हैं वन कप ऑफ स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट तो यहाँ हो रहा है पार्टी है अपनी पर से फुल फन में वजन मेहनत कर रहे हैं मेहनत ये मेहनत का फल इनको मिलेगा मीठा हाँ वो देख रहे लो जी गिर जाएंगी लो जी कर लो गल्ला तुम लोगों से एक बीवी बिलाल तुम लोगों से एक बीवी का वजन नहीं उठाया जाता ये तीन तीन लेके फिर रहे हैं अपने कंधों पे लेके फिर रहे हैं तीन तीन बड़ी गल है यार रोड क्रॉस करें